नवाज शरीफ नहीं पसंद करते, वो चोर डाकू है। साकू पकड़ के ढाक देना ना, सा डरते हैं इलाके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शामी न्यूज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है आजकल इलेक्शन का सीजन है, तो आज हम इलेक्शन के बारे में लोगों से सर्वे करेंगे। आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, मैं इस वक्त यहाँ पे देहरादून पनाह में मौजूद हूँ, जो कि नून लीग का घर समझा जाता है। हमारे साथ एक भाई मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किस पार्टी को वोट देंगे? मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून को आप वोट क्यों देंगे, वजह? सादी मर्जी। मुर्गी वाले एक भाई मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं। जी तो आप वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह सोच समझ कर देंगे। किसको देंगे फिर भी आइडिया? टाइम तो आ जाए इंशाल्लाह। पहले तो इलेक्शन देखते हैं होते हैं या नहीं, इंशाल्लाह जब टाइम आएगा फिर बताएंगे। सर क्या खड़ा ही? आपने देखा कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन होते भी हैं या नहीं, या शायद जो है ना अपना वोट वो सीक्रेट रखना चाहते हैं, इस वजह से नहीं बता रहे। जी एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं आप वोट किसको देंगे? बिलावल भुट्टो को देंगे, तीर पे मोर लगाएंगे। अच्छा, तीर को आप वोट क्यों देंगे? क्यों देंगे, वो उनका हक है, वो जमहूरियत को पसंद करते हैं। अच्छा, जमहूरियत को नवाज शरीफ नहीं पसंद करते? वो चोर डाकू है। जिस तरह से आपने देखा बहुत ही दिलचस्प जवाब मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप किसको वोट देंगे? शेर को। शेर को वोट क्यों देंगे? हमसाए। अच्छा, हमसाए इस वजह से वोट देंगे। देंगे और कुछ ने कहा हम अपना वोट सीक्रेट रखना चाहते हैं। मौजूद है जी, आप किसको वोट देंगे? शेर को। क्यों, वजह? हमसाया है। अच्छा, हमसाए होने की वजह से यहाँ पे, मैंने जिस तरह से व्यूअर्स आपको पहले भी बताया कि ये नून लीग का घर है, जो यहाँ पे नून लीग के उम्मीदवार हैं मलिक अहमद यार हंजरा साहब और मलिक गुलाम कासिम हंजरा साहब, उनका ये घर समझा जाता है। तो बेसिकली आवाम यहाँ पे ये भी कह रही है कि वो हमारे हमसाए, इस वजह से हम उनको वोट देंगे। तो हम पूछते हैं वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह शेर को देंगे। क्यों क्यों, इसकी वजह क्या है? बस शेर को वोट देंगे ना, हमारे हल्के के एम एन ए हंजरा। अच्छा ठीक है जी, थैंक जी। आप वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। क्यों? इमरान खान कूड़ा है था। क्या झूठ बोला उसने आपसे? ओ कूड़े, पठान है, पागल पठान है था। अच्छा, क्या पागल, मतलब क्या पागलपन? कोई एक मिसाल या कोई आपने जो बात उसकी सुनी हो तो वो तो मुझे बता दें। नहीं, वो पागल ही है बस, हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं वो वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। शेर जिंदाबाद। नवाज शरीफ को वोट क्यों देंगे आप? ओ भाई अच्छा है, वो कई दफा शाही की थी है ना, ई वास्ते। ये तो नवा नवा बंदे है, बाकी सबको बिगाड़ते उजाड़ते। अच्छा, नए बंदे को मौका तो देना चाहिए। मौके को थोड़े देते से, मौके देते से बाकी भूख मरते हैं। और देखो दो ही खा देख, आटा नहीं लगता। तो अब तो उसकी इमरान खान की हुकूमत तो नहीं है, वो सारी महंगाई तो वही कर गए। महंगाई ना हो तो महंगाई ना थी इतनी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल उसने क्या महंगाई की, अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि क्या चीज उसने महंगी? जिस टाइम इमरान खान आई वो टाइम पेट्रोल कितने 300 उत्तर टप गया आई, ये तो कोई चीज का पता है ना। तो हूँ इमरान खान का नहीं, हूँ नवाज शरीफ से हाले आया था कोई नहीं, चेंजिंग थी भी अल्लाह अल्लाह सुना खैर करे सी, जीते सी हर शायद सब कुछ सस्ता थी वैसी। जी तो व्यूअर्स, जिस तरह से आपने देखा कि उनका कहना था कि अगर नवाज शरीफ जीतता है तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। चलो हम बच्चों के रिव्यूज़ भी ले लेते हैं। बेटा कौन अच्छा, इमरान खान, नवाज शरीफ या बिलावल भुट्टो जरदारी? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो अच्छा है। बेटा नवाज शरीफ अच्छा है, बिलावल भुट्टो या फिर इमरान खान? नवाज शरीफ। आप क्या कहेंगे कि नवाज शरीफ अच्छा है, बिलावल भुट्टो या जरदारी? जरदारी। जरदारी। तीनों बच्चे बैठे हुए हैं, आई थिंक ये बहन भाई हैं और तीनों की अपनी अपनी राय है। उनसे हम पूछते हैं वोट किसको देंगे? वोट भाई हम किसी को नहीं देंगे, हम साकू पकड़ के ढाक देंगे ना, सा डरते हैं इलाके, ऐसा कहीं को वोट नहीं देंगे। तो पूछते हैं वोट किसको देंगे? बिलावल को। बिलावल को वोट क्यों देंगे आप? उन दे सारे आसान है, साकू पैसे देना खड़े प्रेम थे आंदे। कौन से पैसे? जरा बेनजीर वाले चल दे पान। कितने पैसे आपको दिए बिलावल ने? 9,000 8,000 साकू देना है। अच्छा, बेनजीर की जो किस्त मिलती है इसी वजह से आप बिलावल हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं अंकल जी आप वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट क्यों देंगे? नवाज शरीफ हमारा लीडर है, नवाज शरीफ सही बंदा है, इससे पहले भी नवाज शरीफ ने मुल्क को सुधारा है, उसके बाद किसी ने नहीं सुधारा, इसीलिए हम नवाज शरीफ को पसंद करते हैं और वोट भी उसी को देंगे।
और अंकल हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं आप वोट किसको देंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आप मुस्लिम लीग नून को वोट क्यों देंगे? ये हजरा फैमिली जो है ना, इनसे हमारा जाती ताल्लुक है, ये हमारे शहर के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों के काम करते हैं, अच्छे इंसान हैं, इसीलिए हम इनको वोट देते हैं। अच्छा, हंजरा खानदान तक तो ठीक है, आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ ठीक है, इमरान खान ठीक है, या बिलावल भुट्टो को ऊपर आना चाहिए वज़ीर आज़म की सीट पर? मियां नवाज शरीफ ठीक हैं, वो मुल्क के लिए बेहतर है, उन्होंने मोटरवे बनाया है, एटम बम का धमाका किया है, वो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, एटम बम का धमाका कहाँ पे किया नवाज शरीफ ने? 5 धमाके इकट्ठे किए थे। कहाँ पे? ये तो चागी में। चलें, शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा यहाँ के लोगों के रिव्यूज इलेक्शन के बारे में क्या है। इसी के साथ अपने मेजबान श्याम सईद को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।